ये खिलौने मेरी अंतरात्मा में रसे बसे हैं, मुझे सपने में भी खिलौने दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरी उत्पत्ति तो सिर्फ खिलौने बनाने के लिए हुई है, जो मैंने वास्तविक रूप में कभी देखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इससे मेरा जो है रूबरू हुआ हूँ। नए खिलौने के प्रति इतनी ज़्यादा क्यूरियसिटी रहती है कि जब वो एक खिलौने का निर्माण होता है तो मुझे लगता है एक बच्चे ने मेरे घर में जन्म लिया है। What started as a rooftop enterprise with just two toy designs has developed into one of the leading manufacturers of wooden toys in India. Toys for learning, which help in the holistic development of a child, are produced here with unmatched precision and artful diligence. 30 years on, a dream that was born out of a personal scarcity of toys is now a reality, and the man behind still carries the same childlike enthusiasm he started it with. मैंने मेरे सिराने पर एक रजिस्टर रखा हुआ है, जब भी मुझे रात को कुछ नए आइडिया आते हैं तो मैं उसमें लिख देता हूँ और सवेरे आकर के जो है मेरे स्टाफ को बताता हूँ कि एक एलिफेंट बनना है, उसमें रेड ब्लू रंग इस तरह से भरने हैं, वो कंप्यूटर में करके दिखाते हैं तो मैं आँख बंद करके उसको झटक देता हूँ कि नहीं ये ऐसे 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 होने चाहिए। The noisy factory floors buzz with activity. Cutting, planing and colouring go on in tandem as more than 2,000 self-branded and another 5,000 white label products are churned out every year. एक खिलौने को बनने में कम से कम 20-25 दिन का प्रोसेस है जो लगता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने लकड़ी ली और शाम तक खिलौना तैयार हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये इसमें मैनुअली काम ज़्यादा रहते हैं, भले ही हमने मशीनों को जोड़ लिया लेकिन मैनुअली काम ज़्यादा होते हैं, तो ये इसमें एक नया आविष्कार चाहिए आपको। आप बच्चे एक बार खिलौने से खेल लिया तो उसको फिर नया खिलौना चाहिए, तो अगर आप नए नए खिलौने देते रहेंगे मार्केट में तो आपकी मांग बढ़ती रहेगी, आपका जो है बिज़नेस चलता रहेगा। ये बनिए की दुकान की तरह नहीं है कि आपने सामान रख दिया, कस्टमर आया, बिक गया, फिर और ले लिया, तो आपको नए नए खिलौने बनाते रहेंगे। While technology has made it possible to reap the economies of scale, the traditional handicraft is still at play at Little Genius Toys. A production philosophy created by blending cutting-edge innovation and artisanship has shaped the way so far, and they say it will continue to do so. हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड रहना चाहिए, पर मेरे पास 30 साल पुराने कारीगर हैं जो नई मशीनों पे काम नहीं कर सकते, उनको मैं अपने यहाँ से निकालना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने उनको भी रखा हुआ है जो पुराने तरीके से काम करते थे, और नई मशीनें, चाहे वो CNC राउटर है, चाहे वो लेजर मशीन है, चाहे वो रंदा मशीन है, वो सब मैंने रखी हुई हैं, तो मैंने उन लोगों को भी साथ में लेकर चलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कामयाबी में उन सब कारीगरों का हाथ है। द शेयर ऑफ होम ग्रोन प्रोडक्ट्स इज एट जस्ट 25% इन द नेशनल टॉय मार्केट, एस्टिमेटेड एट क्लोज टू $1.5 billion. And it is units like this one that are taking a small but significant step in recalibrating that balance. मैं किसी स्कूल में या किसी घर में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि बच्चे हमारे द्वारा बनाए गए खिलौने से खेल रहे हैं, तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि मैंने भी देश के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया। नो डाउट पैसा तो इससे आता ही आता है, लेकिन जो सम्मान, जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो कहीं ज़्यादा है।